मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट के उपचुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया गया है। यहां छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में बीजेपी के साथ कांग्रेस का दिग्गज कमलनाथ ने भी उपचुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अब अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यहां लड़ाई भाजपा के राजा बनाम कांग्रेस के संघ परिवार के बीच लड़ी जाएगी। अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग भी की जाएगी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उनके लंबे जीवन की कामना की है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव के एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। आप सभी ने हमेशा देखा होगा कि राहुल गांधी हमेशा सफेद टी शर्ट पहनते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोनों कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भीषण ठंडी में भी कांग्रेस नेता सफेद टी शर्ट में ही नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया, साथ ही बताया कि वह हमेशा सफेद टी शर्ट क्यों पहनते हैं। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि मैं हमेशा सफेद टी शर्ट क्यों पहनता हूँ। यह टी शर्ट मेरे लिए पारदर्शिता, दृढ़ता और सरलता का प्रतीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक आयोजित कर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने सभी सहयोगी के साथ जातीय सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। बता दें कि यह फैसला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली में अमीन पेंट करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कास्ट सर्वे का दायित्व सौंप दिया है। बता दें कि यह जानकारी सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाटेल ने दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने आरक्षण कानून के लिए किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रीट याचिकाओं को स्वीकृति भी दे दी है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीत का परचम लहराया। महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 4 रन से हराकर जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 2.0 से बढ़त बना ली है। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले स्कोर बोर्ड पर 325 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने सीरीज में लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया। उन्होंने 120 गेंद में 136 रन की शानदार पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी की रस्में अब शुरू होने वाली है। शादी से जुड़ी डिटेल्स सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। खबरों के अनुसार यह कपल 23 जून को शादी करेंगे। दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक दोनों के परिवार या फिर दोनों कपल्स का किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी यह खबर आग की तरह फैल गई है। 23 जून को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी 240 सीटें पाकर ही बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रही। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती देते हुए 234 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट के आकलन से पता चलता है कि विपक्ष की जीत में जाट, दलित और मुस्लिम वोटों का अहम योगदान रहा, जिसमें पार्टी का खराब चुनाव प्रबंधन भी शामिल है। साइबर फ्रॉड अपराधियों के खिलाफ नागौर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। अब कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी केस के मुख्य आरोपी सुफियान इस्माइल शेख को मुंबई से धर दबोचा है। आरोपी शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देता था और अलग अलग फर्मों के खातों में रुपए जमा करवाता था। आरोपी ने 87,03,000 की ठगी को अंजाम दिया था। भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर है। बता दें कि जुलाई के पहले हफ्ते से सितंबर के अंतिम तक यहां मॉनसून के मजबूत होने के आसार है। बता दें कि पूर्वी प्रशांत महासागर में अलनीनो के कमजोर पड़ने और लानीना के धीरे धीरे सक्रिय होने से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस बीच अब राहत की खबर सामने आई है कि अलनीनो की स्थिति लगभग खत्म हो गई है और लानीना का उभार होने लगा है। अब जैसे जैसे लानीना मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे मानसूनी बारिश में भी मजबूती आ दी जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय ने एक बार और एग्जाम किया कैंसिल। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीटी नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इस मामले में एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि 18 जून 2024 को भी नीट की परीक्षा में अनियमित हुई है। बता दें कि भारतीय साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दिए गए इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया है। नीट की तरह ही यूजीसी नीट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। झारखंड को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे गिरिडीह से रांची की दूरी महज 138 किलोमीटर हो जाएगी। बता दें कि झारखंड के कई धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए रांची से देवघर होली टूरिस्ट कॉरिडोर की सहमति मिल सकती है। रांची से ओरमांझी, गोला रजरप्पा, लुगुबुरु पहाड़ी, डुमरी, मधुबन, बुढ़ई होते हुए देवघर तक 201 किलोमीटर या फिर कॉरिडोर रांची और गिरिडीह को जोड़ेगा। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल के संग शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। इसके साथ ही अटकलें लगाई जा रही कि होने वाली इस शादी में उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा शामिल नहीं होंगे। अपनी फिल्म द ब्लफ की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा घायल हो गई हैं। उन्हें पैर और कंधे पर चोट आई। एक्ट्रेस ने अपना वीडियो भी शेयर किया है। इसमें पहले उन्होंने बुधवार 19 जून को गर्दन पर लगी चोट की झलक फैंस को दिखाई थी। वहीं अब जो उनका वीडियो सामने आया है उसमें वे खून से लथपथ नजर आ रही हैं।